इस बीच बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर बागलकोट में दो गुटों के बीच झड़प हुई है। झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। एहतियातन प्रशासन ने बागलकोट में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये बागलकोट की तस्वीरें हैं जहां दो गुटों के बीच झड़प हुई, आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ हुई और मामला इतना बढ़ गया, तनाव इतना बढ़ गया कि एहतियातन प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दे दिया है। नेहा मेरी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा, तो आखिर ये क्या मामला है, क्यों इतना जो है वो झगड़ा हुआ, इतना तनाव पैदा हो गया, अभी क्या माहौल है वहां पर? देखिए, ये जो जानकारी हमको अभी पुलिस से मिल रही है वो यही है कि वहाँ पे जो अभी बवाल मचा था कल, वो दो ग्रुप्स के बीच में था बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में, और ये शाम के ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास हुआ था ये इंसिडेंट। और वहाँ पे इनफैक्ट जो हमने विटनेस किया वो काफी भयानक था। 3 लोग को इनफैक्ट स्टैब किया गया है, और अभी पुलिस ये भी बता रहा है कि इनफैक्ट कम्युनल क्लैश था दो ग्रुप्स के बीच में, लेकिन ये देखना बाकी होगा। अभी के लिए तो जो परिस्थिति है वहाँ पे सब अंडर कंट्रोल है, पुलिस ने सब इनफैक्ट पेट्रोलिंग की है वहाँ पे, और अभी पूरी स्थिति अभी जी जी। नेहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बागलकोट की ये घटना बताई जा रही है जहाँ पर दो गुटों के बीच लड़ाई होती है और इतना तनाव बढ़ जाता है कि उसके बाद स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है सिर्फ एहतियातन के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इस जानकारी के लिए। अब